तक नहीं छोड़ी। पैसों और बिल्ली की टट्टी का क्या कनेक्शन है? अकेला ऐसा इंसान है जो अपनी छत पे बिल्ली की टट्टी देख के खुश होता है। आखिर ये दिन आ ही गया। कर ले, आराम से कर ले, सफाई की टेंशन मत लियो, कर तू, कर बस तू कर। वाह क्या टट्टी है, क्या टट्टी है बच्चों। नगर दिवाली की रात छछुंदर आपके घर में आ जाए या आपके घर में छछुंदर की आवाज। बस 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 भोसड़ी का भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। ये अपने घर में टॉम एंड जेरी खिलवा रहा है, कभी चूहा कभी बिल्ली, चूहा बिल्ली के आगे बिल्ली चूहे के पीछे। ही इज हैविंग टू मच फन। अब चलो यार, जानवरों तक तो ठीक था लेकिन इन्होंने पौधे तक नहीं छोड़े। दिवाली पर बस यहाँ रख देना एक तुलसी का पत्ता। कहाँ रखने का इरादा है तुलसी के पत्ते को? ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तुलसी की जड़ को लाने से पहले आपको को एक दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है, तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। ये चाहता है मैं तुलसी के पत्ते को निमंत्रण दूँ, वो भी एडवांस में एक दिन पहले, क्योंकि आज तो वो किसी और के घर जा रहा है ना। निमंत्रण कैसे देना है? तुलसी से निवेदन करे कि कल को आपको मेरे घर आना है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ तुलसी के पत्ते और सविता भाभी के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों को एक ही चीज बोलनी पड़ती है, कल को आपको मेरे घर आना है। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए आप वो आपके घर में ही है, तो आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी है। अबे तू टोटके बता रहा है या गुटका बनवा रहा है? फिर कहेगा तंबाकू लाओ और फिर उसे ऐसे ऐसे करके रख लेगा भैया जी मुंह में। जिस व्यक्ति पे परेशानी है या जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को लेटा दें और मुट्ठी को मुट्ठी या कितना बदतमीज आदमी है ये, इसने बताया नहीं मुट्ठी मारनी है, इसने पहले से अज्यूम कर लिया मार के बैठे हैं। अब इस बंदे से तुम कोई भी सवाल पूछोगे ना, हर चीज का जवाब है इसके पास। अब तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे? आओ एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो भाई साहब, ये जो मुट्ठ है कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता है, तो इसे दिन में कितनी बार निकालना चाहिए आपको? या तो 7 बार झाड़ना है या 11 बार। वाह 11 बार काफी बुलंद नंबर है। खैर आप ये छोड़िए, आप ये बताइए फिजिकली कुछ फायदा होता है? कई आयुर्वेदिक लाभ भी मिलते हैं और इससे पूरा दिन काम में लगा रहता है। ओ इससे किसी भी तरह की मानसिक तनाव नहीं रहता। क्या बात, तो देखा दोस्तों 7 से 11 बार झाड़ने के कितने फायदे हैं। अब यार इस बंदे से ना मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ, इसलिए आज मैं भी तुम लोगों को कुछ टोटके बताऊंगा। नमस्कार, सुप्रभात, हालेलुया भाइयों और बहनों, आज मैं कुछ टोटकों के बारे में बताऊंगा। दिवाली के एक दिन बाद नीम के पत्ते से गांड साफ करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति रहती है और पैसे हमेशा की तरह पेड़ पे उगते हैं। दिवाली की रात अपनी छाती पे सरसों का तेल मलने से धन और स्थान दोनों की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी पुरानी पैंट में 500 के करारे नोट मिले तो ये सविता भाभी के आने का संकेत है। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को पसंद करें। अरे कौन कर गया यार, भाई दिखना था, हम यार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे चुप कीजिए, औरतों को चुप कराइए, चुप कराइए औरतों को। अरे भाई सुन रहे होगा, सत्यानाश हो पूरा देश। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता यार कोई भी टोटके वोटके तुम्हें पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। मेहनत करो, खून पसीना मुंह बहाओ। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, मुझे पता है 2 दिन पहले थी। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,50,000 लाइक्स के लिए। मुझे नहीं पता कैसे भी करोगे, मुझे चाहिए, इस बार ना नहीं सुनूंगा, कैसे भी करो, कुछ भी करो, जादू वादू दिखाओ, बस हो जाने चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ क्या था लिखा स्क्रिप्ट में, क्या लिखा हुआ है, रॉकेट फोड़ो या आलू बम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ अब चलो यार मैं भी जा रहा हूँ, बाय। वो है वो जो छत पे बिल्ली मूत के गई है, उसे तेरा बाप साफ करेगा।